कोल स्कीम का आरोप लगाया 500 करोड़ का। FIR दर्ज हुआ कर्नाटक में, फिर दर्ज हो गया भोपाल में, अभी नोएडा में हुआ, लेकिन संपत्ति 150 करोड़, वो बता नहीं पा रहे। सारे राइस मिल में छापा डाले गए IT के द्वारा, अभी भी धीरे घुसेगी। तकलीफ उनको ये है कि किसानों के 7 लाख मीट्रिक टन जो धान है वो मिलिंग कैसे। छत्तीसगढ़ में यही कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को दबाया जाए, बदनाम किया जाए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पार्टी के पदाधिकारी हो, या फिर अधिकारी और कर्मचारी हो। ये सिलसिला शुरू होता है जुलाई 2020 से। झारखंड चुनाव में बुरी तरह से मात खाने के बाद इन लोगों ने इसकी शुरुआत की, और IT ने रेड डाला, जितने भी जिसे शराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया। और इस शराब घोटाले में 2019-2020 में केक की रिपोर्ट भी है, वहाँ उन्होंने जांच भी की। उसके बाद 2.5 साल तक के वो चुप रहे, चुनाव नज़दीक आते हुए, जबकि सारे कागजात ED को सौंप दिया गया था। उसके बाद ED सक्रिय होती है और फिर उन्हीं लोगों को बुलाते हैं, और कहा जाता है कि 2168 करोड़ के घोटाले हुए। इसमें ये भी कहा गया कि नकली होलोग्राम का प्रयोग किया गया। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है, ये नकली होलोग्राम का यदि प्रयोग हुआ तो जो डिस्टलर है वही तो करेगा, उसी फैक्ट्री में होगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बचत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके घर में ज्वेलरी भी पाए, नकद रुपये भी पाए, किसी को जब्त नहीं किया गया। और कहा गया कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ, और चल अचल संपत्ति 2018 के पहले के भी जब्त करने के बाद भी 200 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त नहीं की गई। जबकि इस दौरान 2018 के बाद जब हमारी सरकार बनी, उसके पहले जो रेवेन्यू है आबकारी की वो 3900 करोड़ की थी, अब बढ़ के 6500 करोड़ हो गया। और आरोप ये लगाया ED के द्वारा कि राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 3900 करोड़ से बढ़ के 6500 करोड़ हुआ, और आज तक के वो 2168 करोड़ में से केवल 200 करोड़ के आसपास, वो भी पैतृक संपत्ति, और 2018 से पहले अर्जित की गई आय उसको जोड़कर भी 200 करोड़ नहीं पहुंचा। दूसरी बात, कोल स्कीम का आरोप लगाया 500 करोड़ का। FIR दर्ज हुआ कर्नाटक में, फिर दर्ज हो गया भोपाल में, अभी नोएडा में भी हुआ। और उसके बाद 4 बार वो सप्लीमेंट्री चालान प्रस्तुत कर चुके हैं, और सब मिला के अचल संपत्ति सब मिला के अभी तक 150 करोड़ पहुंचा है। आरोप 500 करोड़ का है, लेकिन संपत्ति 150 करोड़, वो बता नहीं पा रहे। तीसरी बात उसमें महत्वपूर्ण, अभी लगातार जो कोशिश की जा रही है कि धान में भी पैडी में भी स्कैम हुआ, सारे राइस मिल में छापा डाले गए IT के द्वारा,
अब ईडी सीरियस घुसेगी। तकलीफ उनको ये है कि किसानों के 107 लाख मीट्रिक टन जो धान है वो मिलिंग कैसे हो गया। अभी तक होता यह था कि धान बाहर में पड़े रहते थे, जैसे मध्य प्रदेश की खबरें आती है कि गेहूं बाहर में खड़ा पड़ा हुआ है और सड़ गया। छत्तीसगढ़ में खबरें आती थी कि धान खुले में पड़ा हुआ है, भीग गया, सूख गया और सड़ गया। वो सारे नुकसान हमने बचाए, उनको हो गई परेशानी, अब उसमें घुसे। अभी डीएमएफ में भी मज़ेदार बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा बिना कोई ईसीआईआर के वो माइनिंग डायरेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं कि कितना काम हुआ वो हमको बताएं। उसी प्रकार से एक सवाल रजिस्ट्रार को भी किया जाता है कि कितने जमीन के रजिस्ट्री इन 3-4 सालों में, जब से हमारी सरकार बनी है 18-19 के बाद, कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं। इसका मतलब है वो सारे रजिस्ट्री लाएंगे और सबको अभी कम कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि ये घरों में जाते हैं, सबसे पहले मोबाइल जब्त करते हैं, फिर घर में जो संपत्ति है, जो रुपया नगद है, ज्वेलरी है, उसको सीज करते हैं, बैंक खाते सीज करते हैं, डायरी वगैरह भी हो या कुछ कच्चे में लिखा हुआ हो सबको पकड़ते हैं, 5-6 दिन तक के घर में बंधक बना कर रखते हैं। चाहे वो वृद्ध माता पिता हो, बीमार हो, उसे उसे कोई लेना देना नहीं, बैठे रहेंगे। तो सवाल तो इनके पास होते नहीं, और जब तक के ऊपर से आदेश नहीं होगा तब तक खाली नहीं करते, फिर वो राजनीतिक सवाल करना शुरू करते हैं, तुम्हारी क्या भूमिका है, तुम किस पार्टी से हो, तुम कितने सीट जीतने वाले हो, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, वो सारे राजनीतिक सवाल भी पूछना शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे केस हैं जिसमें ईसीआईआर नंबर नहीं है और उनके घरों में ये लोग पहुंच के प्रताड़ित करने, बदनाम करने की कोशिश। अभी जो हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे पत्रकार साथी वहां गए भी थे, और ईडी के अधिकारी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के यहाँ बिना ईसीआईआर नंबर के वहां पहुंच गए, जो कि ये नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। वो तो जो वेंडर है उसके यहां पहुंच गए। अभी कल ही मेरे राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहाँ पहुंच गए, मेरे जो ओएसडी है, जो चूंकि मुख्यमंत्री होने के नाते जो क्षेत्र में ओएसडी नियुक्त करते हैं, जो किसी बीमारी का, किसी का और कुछ काम है, जो दैनंदिन आते हैं और हम लोग समय नहीं दे पाते, तो वो सारे काम वो लोग करते हैं, उसके घर में पहुंच गए, मिला कुछ नहीं, दिन भर बिठा के रखे। इसका मतलब ये है कि अब पाटन में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, बल्कि ईडी और आईटी लड़ेंगे। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि पहले सीबीआई ने, आईटी ने छापा डाला, फिर ईडी घुसी, अब वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए हैं कि इसमें अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। 3-3.5 साल जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच रोक लगाने के बाद नोएडा में एफआईआर भी होता है, और उसके बाद साथ ही वो बिलासपुर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। इसका मतलब यह है कि आईटी और ईडी दोनों अक्षम है और नकारा है, उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया अब सीबीआई जांच उन्हीं केसों में। कुल मिलाकर उद्देश्य यह है कि चलती हुई सरकार को किस प्रकार से बदनाम किया जाए, उसे किस प्रकार से बाधित किया जाए, एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक है और राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी जाते हैं यहाँ से, 2-2 बार गए, वो सीधा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाते हैं, वहीं रात रुकते हैं, पता नहीं क्या करते हैं और चले आते हैं। मिला के है कि आप प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, आप ईडी और आईटी के माध्यम से लोगों को डरा के, धमका के, उसके कार्य को बाधित करके
उसको प्रताड़ित करें और ईडी जो है वो कितने लोगों को मारपीट कर रहे हैं, कितने लोग धमका रहे हैं, आप इस पेपर में दस्तखत करो नहीं तो आपको जेल भेज देंगे। रात रात भर मतलब 40-40, 45-45 घंटा लोगों को सोने नहीं दिए। रात को 10-11 बजे के बाद आपको पूछताछ करने का अधिकार नहीं, लेकिन यदि आप ईडी ऑफिस के आप फुटेज निकालेंगे तो सारे जो पूछताछ है वो 11 बजे के बाद शुरू होती है अमानवीय तरीके से। निरंकुश हो चुके हैं जितने ये लोग संशोधन किए, तो बेतहाशा उनको अधिकार मिला हुआ है और जमानत तो किसी को होना नहीं है। 8-15 दिन, हफ्ते महीने दिन की बात नहीं, आप सालों पड़े रहिए, कोई जमानत उमानत होना नहीं। तो डर यही है, डर ये बताते हैं कि आप हम जो कह रहे हैं उस जो पेपर लिख के लाए हैं उसमें दस्तखत करो, हस्ताक्षर करो, और नहीं तो आप जेल जाओगे और जेल जाने के बाद आपको जमानत नहीं मिलेगी। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में है और इतने कम से कम उस छोटे से राज्य में 200 से अधिक आईटी और ईडी डीआरआई करके छापे पड़ चुके हैं। तो आज पूरे भय का माहौल है, केंद्र सरकार खुद इस प्रकार से काम करवा रही है। संजय मिश्रा जी के बारे में जानते ही हैं, उनको टास्क मिला हुआ है 15 सितंबर तक के, अभी तब कल 23 अगस्त था, अभी तो 15-20 दिन और बचे हैं। तो जितना वो उनको आतंक फैलाना है वो पूरी ताकत के साथ, क्योंकि उनके आकाओं ने एक्सटेंशन दी है तो अपने आका के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने दिलाया आगे भी कुछ मिलने की संभावना है। तो ऐसे व्यक्ति यदि काम करेंगे, ऐसे इस उद्देश्य से काम करेंगे तो फिर प्रजातंत्र तो खतरे में है। दूसरी बात इसमें कहना चाहता हूं, यदि सत्ताधारी दल इस प्रकार से कोई कार्रवाई करे तो फिर कोर्ट की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसे बेजा जो हस्तक्षेप किया जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है उसमें रोक लगाए। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो?